Run, 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 Monica, run. Bak, 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 bak. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसा होता है पैराग्लाइडिंग का रोमांच और साथ ही बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है इस रोमांचक सफर के दौरान। वीडियो पूरा देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर को। तो पोलस्टार टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिस रिपोर्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स चौहाटा बाजार मंडी। उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। और आज हम आपको लेकर जाएंगे बीड बिलिंग। बीड बिलिंग जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है और हम भी पैराग्लाइडिंग करेंगे। और पैराग्लाइडिंग की बहुत ही वर्ल्ड फेमस साइट है वहाँ पर, और वहाँ पर जो वर्ल्ड टूर्नामेंट भी होते हैं। और हम मंडी से चले और अभी हम पहुँचे हैं नारला में। नारला एक छोटा सा स्टेशन है और यहाँ के पकौड़े बड़े फेमस हैं और साथ ही इस अनारदाने की चटनी यहाँ पर मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं पकौड़ों के, तो गर्मा गर्म पकौड़े यहाँ ज़रूर लोग रुकते हैं पकौड़े खाने के लिए। और अनारदाने की चटनी और चना भी होता है, और साथ ही यहाँ एक झरना भी है और काफ़ी हिमरी गंगा नामक जगह है, वहाँ से पानी निकलता है और यहाँ पर जो है वो पानी आता है। तो अभी हम जाएंगे बीड बिलिंग की तरफ और आगे हम बढ़ेंगे और साथ ही आपको भी आज लेके चलेंगे। वैसे मैं बता दूँ, मैं पहले भी जाके आई हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा पैराग्लाइडिंग का बहुत मन कर रहा था लेकिन नहीं कर पाई। तो आज मैं फिर से मन बना के जा रही हूँ और हमारे साथ और भी टीम है, हम सभी जा रहे हैं और आपको भी लेकर चलते हैं बीड बिलिंग। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं बीड में और हमने जाना है बिलिंग, जो कि बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल धुंध भी छाई हुई है और पैराग्लाइडर्स भी यहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं, आपको देख ही सकते हैं आप इस वक्त, तस्वीरें आपके सामने ही हैं। और अभी यहाँ पर हमने जाना है बिलिंग एडवेंचर्स ऑफ हिमाचल, इनसे हम इनके पास जाएंगे और यहीं पे हमें हमारे जो पायलट हैं वो भी मिलेंगे और उनके साथ हम आज फ्लाई करेंगे। और बहुत ही सिर्फ यहाँ पर ये जो, जैसा मैंने बोला, बिलिंग एडवेंचर ऑफ हिमाचल जहाँ पर हम जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको पैराग्लाइडिंग ही नहीं कर सकते, यहाँ पर और भी काफ़ी सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कैंपिंग होगी, रॉक क्लाइंबिंग होगी, या फिर ट्रैकिंग होगी, फिशिंग, बहुत सी चीज़ें और भी सर्विस इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आइए पहले हम चलते हैं अंदर और बातचीत करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बिलिंग बीड से बिलिंग जाएंगे और वहाँ पर हम पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं। आपको जस्ट अपने पायलट की ब्रीफिंग को फॉलो करना है। जब हम रेडी होते हैं आप आगे रहते हो, पीछे आपका पायलट रहेगा। पायलट आपका ग्लाइडर जब पुल करता है तो आपको रन करना होता है प्रॉपर की रनिंग चाहिए आपकी 6 to 10 seconds, तो आपने वो प्रॉपर तरीके से रन करना है। जैसे आप हवा में हो जाते हो, ऐसे जब चेयर में बैठे होते हो घर में, वैसे ही आप हवा में बैठे होते हो। इसी बट अगर आप वीडियो बनाते हैं अपना, तो जो गोबर स्टिक होगी वो होल्ड आपने पकड़नी है आपकी। जब हम लैंडिंग अप्रोच बनाएंगे अपनी, तो लैंडिंग के टाइम पर आपने जस्ट फुट ऑन लेफ्ट स्टेट लेफ्ट पांव उठाने हैं और पैलर करने हैं। तो अभी हमारे साथ हरदेव सिंह ठाकुर जी हैं और साथ में उनकी टीम भी है। हमारे साथ हमारे पायलट हैं हरदेव सिंह ठाकुर जी, और सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बताएं हमें कि आप कब से जो है इस प्रोफेशन में हैं। मैं लास्ट 11 साल से पैराग्लाइडिंग करवा रहा हूँ और बाकी बहुत सारे एडवेंचर भी करवाते हैं हम, जैसे कैंपिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, फिर रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, और सब कुछ, सभी मतलब एडवेंचर जो भी है एक्टिविटी है करवाते हैं हम लोग। तो ये कौन सा समय रहता है जब पैराग्लाइडिंग के लिए बेस्ट समय रहता है, वो टाइमिंग? पैराग्लाइडिंग के लिए बेस्ट समय रहता है अक्टूबर नवंबर, बेस्ट होता है। मतलब इस टाइम जो है क्लाइम अच्छा क्लाइम होता है और लोग जो है क्रॉस कंट्री फ्लाइंग करते हैं। कुछ लोग जैसे यहाँ से धर्मशाला के लिए, मनाली के लिए फ्लाई करते हैं। और भी क्या क्राइटेरिया रहता है इसका? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे हम जैसे बच्चे होते हैं उनका बॉडी वेट कम से कम 25 kg से अप होना चाहिए और लास्ट हम कैरी करते हैं 120 तक।
120 kg तक के मतलब लोगों को जो हम फ्लाई करवाते हैं। जब पैराग्लाइडिंग करने आएंगे तो खासकर लेडीज से सैंडल नहीं पहनना चाहिए और शूज पहन कर आना चाहिए और जीन्स और साड़ी मतलब साड़ी नहीं पहनना चाहिए, जीन्स और ट्रैक सूट जो भी पहन सकते हैं। वैसे उड़ने को तो दूसरे जो चप्पल सैंडल्स में भी उड़ सकते होंगे लेकिन थोड़ा दिक्कत रहती होगी। हाँ, तो एक टाइम दिक्कत रहती है, वहीं पर रह जाते कई बार। कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई आपके साथ लेडीज हो चप्पल गिर गई हो ऊपर से, ऐसा कभी हुआ? हाँ, होता, काफ़ी बार होता है। Here we are going for paragliding first time. अभी हम निकले हैं भीड़ से, भीड़ से अब हम जो पैराग्लाइडिंग करवाएंगे उनकी जो गाड़ी है 4x4 बोलेरो कैंपर, उसमें हम बैठे हैं और हम बैठे हैं इस वक्त गाड़ी के बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं डाले में बैठे हुए हैं, तो डाले का आनंद लिया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अब पैराग्लाइडिंग जो पैराग्लाइड हैं वो सारे के सारे गाड़ी में लोड कर दिए हैं, सारे हम बैठ चुके हैं, भीड़ से हम निकल चुके हैं, बिलिंग जा रहे हैं। बिलिंग में अब फ्लाई करने का तो काफियों का मन है लेकिन वहां जाके पता लगेगा कि हकीकत में फ्लाई कौन कौन कर पाता है, तो ये देखने के लिए आप जुड़े रहिए और देखते हैं, पहुंचते हैं बिलिंग में। वेदर है और इस वक्त यहाँ पर काफ़ी धुंध छाई हुई है और हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये साफ नहीं हो जाता, मौसम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से उड़ान नहीं भर सकते। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ और साफ होने में, इसको क्लियर होने में, उसके बाद ही हम जाएंगे और यहाँ से जंप करने वाले हैं। तो काफ़ी धुंध यहाँ पर है और बहुत ही कूल मौसम है। कैसा लग रहा है आपको कि पहली बार आप फ्लाई कर रहे हैं, तो कुछ डर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है, थोड़ी सी इच्छा है जाके उड़ के देखने की, महसूस करने की क्या लगता है। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है। हमारे साथ समृद्धि जी हैं जो कि दिल्ली से आई हैं। मैम थोड़ा सा बताइए कि फर्स्ट टाइम आपकी ये एक्सपीरियंस है या पहले भी आपने कभी किया है? नहीं, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। काफ़ी सुना था फ्रेंड्स फैमिली से कि हिमाचल में बीर बिलिंग करके पैराग्लाइडिंग प्लेस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है एकदम आसमान में उड़ने का, तो उसी को ट्राई करने के लिए आज आए हैं दिल्ली से। पहली बार होगा यहाँ? फर्स्ट टाइम है और दूसरी जगह कभी पहले ट्राई किया आपने? नहीं, मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया पैराग्लाइडिंग, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। कैसा लग रहा है अभी? बहुत एक्साइटमेंट है, धुंध है, वेट कर रहे हैं मौसम क्लियर होने का और एकदम उड़ जाने के लिए। थोड़ा बहुत डर है? थोड़ा बहुत डर है, बट डर को ओवरकम करेंगे मजे के लिए। चलो इस साइड। हमारी टीम ने लगभग 2 घंटे धुंध छटने का इंतजार किया लेकिन हमें निराश होना पड़ा, लेकिन उड़ने की ठान रखी थी इसीलिए अगले दिन उड़ने हम फिर आए। दर्शकों, पिछले कल मौसम ख़राब रहा और मौसम तो ठीक था लेकिन धुंध काफ़ी ज़्यादा थी बिलिंग में और हम उड़ान नहीं भर पाए थे, तो आज दूसरे दिन हम फिर से आए हैं और इस वक्त हम भीड़ में हैं और हम जाएंगे बिलिंग और वहां से पैराग्लाइडिंग करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और पैराशूट भी इन्होंने पैक कर दिए हैं, अभी हम जाने वाले हैं। और आज मौसम काफ़ी साफ़ है, पिछले कल यहीं से हमें थोड़ा धुंध दिखाई दे रही थी लेकिन आज बिल्कुल क्लियर मौसम है, तो अभी हम बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ कि आज हम उड़ान भर पाएंगे। तो चलिए आपको फिर से आज दूसरे दिन ले चलते हैं बिलिंग की तरफ।
यह विदेशी महिला पायलट बता रही हैं कि हिमाचल की यह जगह बीट बिलिंग दुनिया में बेस्ट है। बिलिंग में और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से उड़ान भरी जा रही है और ये भी उड़ गए। तो अभी हम भी जाएंगे और पैराग्लाइडिंग करेंगे। काफ़ी एक्साइटमेंट है मुझे और साथ में दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कुछ एक यहाँ पर जो दौड़ नहीं पा रहे तो उनको फिर से रिटेक करना पड़ रहा है। तैयार हैं फ्लाई करने के लिए पैराग्लाइडिंग से, और इस वक्त बिलिंग में हम मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें तैयार कर दिया गया है, पूरी तरीके से सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगा दिए गए हैं, हेलमेट पहना दिया गया है, सब कुछ जो है वो कैमरा भी हमें पकड़ा दिया गया ताकि हम इसका जो है पूरा वीडियो शूट कर सके। बस अब पैराग्लाइडिंग के साथ बंधना बाकी है और उसके बाद चार कदमों की दौड़ होगी और फिर हम हवा में होंगे। हवा में मैडम, आपको क्या कुछ डर लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा डर तो नहीं, बट थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी उसके वजह से हो सकता है। डर तो लग ही रहा होगा ना, हो गई होगी। वैसे हम तीन थे लेकिन अभी हमारे साथ हितेंद्र जी थे, उनका भी मन कर गया कि हम भी क्यों ना मैं भी फ्लाई करूं, तो अब हम चार हो चुके हैं। और अभी हाँ जी, आपका आपकी क्या अभी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगी, अभी उड़ने के बाद बताऊंगी सब कुछ। नहीं, अभी आपके पेट में कुछ हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, डर भी लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमी न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कन, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां, और मैं सिर्फ मैं।
अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। करने के लिए आए तो आप इनके पास कोच बेझिझक जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो हमारे मन में एक ही डाउट रहता है कि जो बंदा हमें फ्लाई करवा रहा है क्या वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, क्या वो हमारी सेफ्टी रखेगा या नहीं रखेगा। तो दिखती सी बात है कि इंसान के पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अधिकतर लोग जो है उन्हीं के पास जाना जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वो मायने रखता है कि उन्हें पता है कि पैराग्लाइडिंग को कब उन्होंने जो है वो ज़्यादा फ्लाई करना है, किस वक्त जो है वो लैंडिंग करवानी है, विंड की डायरेक्शन कैसी है, तो उस वक्त जो है पैराग्लाइड को कैसे कंट्रोल करना है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब कभी आप पैराग्लाइडिंग के लिए आएँ ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही रोमांच भरा जो है वो एक एडवेंचर है, तो आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पर आप बिलिंग में जो है वो इनका जहाँ पे बुकिंग काउंटर है वहाँ पर आप जाएँ और वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ और उसके बाद इनके अनुभव के साथ जो है वो पैराग्लाइडिंग की फ्लाइट ज़रूर। अभी हम यहाँ पर लैंड कर गए हैं और काफ़ी इंजॉय किया हमने, बहुत एक्साइटमेंट थी और काफ़ी अच्छी सीनरी थी, काफ़ी अच्छा व्यू था ऊपर से। और अभी हमारे साथ वीरेंद्र भारद्वाज जी हैं, सर आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो ये सजेशन दूंगा सभी को कि एक बार जो है वो ये एडवेंचर वाली राइड ज़रूर करें। हालांकि स्टार्टिंग में जब आप फ्लाई करते हो तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, लेकिन जब आप एक बार फ्लाई कर जाते हो उसके बाद फिर आपका डर जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा दृश्य होता है रोमांच से भरा हुआ जिसे देखना जो है आप पसंद करते हो, और वो दृश्य आपको जो है ताउम्र याद रहता है। तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहती है, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करें। सर आपको बीच में हिचकोले लगे थे एक दो बार?
हाँ हिचकोले जरूर लगे क्योंकि जिस तरीके से ये राइड करवाते हैं और जो ये पायलट होते हैं इनको पूरा नॉलेज होता है कि किस तरीके से जो है वो पैराग्लाइड को जो है वो कंट्रोल करना है, किस तरीके से जो है वो 360 एंगल पे जो है वो आपको रोटेट करवाना है या किस तरीके से आपको जो है वो वहाँ पर हिचकोले खिलवाने हैं, तो वो सब कुछ इनको ट्रेंड वेल ट्रेंड होते हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने जिस प्रकार से वो रोमांच से भरे हमारे जो हिचकोले थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था लेकिन रोमांच ज़्यादा था। तो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी मज़ा आया मुझे भी, और शुरू में मुझे भी थोड़ा सा जब हम फ्लाई किए थे पहले तो मुझे फ़्लाई करने के लिए डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं भाग पाऊँगी या नहीं, लेकिन उसका जैसे ही हम वहाँ से फ्लाई किए तो उसका स्मूथली मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच में वो हिचकोले वाली बात है तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा डर ज़रूर लगा था और मैंने पूछा भी था पायलट को कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, आपको बहुत इससे और ज़्यादा रोमांच हो आएगा। काफ़ी मज़ा और काफ़ी इंजॉय किया मैंने, आप भी ज़रूर आइए और ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ पे आके। स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।